आइए दोस्तों, चलते हैं कुछ नया जुगाड़ करने, जो गार्डन में चार चांद लगा देंगे। देखने में तो सुंदर हैं ही, और फ्रेंड्स क्या है कि बिल्कुल जीरो बजट से तैयार करते हैं। तो जीरो बजट से तैयार करने के लिए मैंने सोचा कि चलिए अपने यूट्यूब परिवार के साथ में क्यों ना मैं इस चीज़ को शेयर करूं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर फ्रेंड हैं वो इंतज़ार भी करते हैं कि आज वीडियो नहीं आया, तो मैं सोचती रहती हूँ फ्रेंड्स कि कोई ना कोई चीज़ नई लेकर के आऊँ आप लोगों के बीच में, तभी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आइए जुड़िए माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में और यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन में घंटी को जाकर के ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई सी वीडियो मैं अपलोड करूं फ्रेंड्स तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे और तरह तरह के ऐसे गार्डनिंग टिप्स बताते रहें। तो फ्रेंड्स आइए ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि जो जितना मैं जुगाड़ का वीडियो बनाने लेकर के आई हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मॉस स्टिक को बनाया है। मॉस स्टिक को बनाने के बाद में एक्चुअली में क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कि कुछ जो नए व्यूअर फ्रेंड मेरे से जुड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले का ग्रोथ और अब का ग्रोथ उसको दिखाते हैं। ये 2 फिट की मेरी डेढ़ फिट की सॉरी क्यारी है। इस क्यारी को मैंने इधर से उधर होल कर लिए, छेद कर लिए गर्म मतलब चाकू से, और चाकू से कुछ तार से, तो मैंने तार से छेद करने के बाद में फिर ये देखिए इनको फंसा रही हूँ। ये इतना सुंदर सा कुआं बना करके मैं तैयार करूँगी। मैं तरह तरह के DIY फ्रेंड्स अक्सर लेकर के आती रहती हूँ अपने YouTube परिवार के साथ में, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर फ्रेंड वो जानते हैं। तो मैंने सोचा कि अब फ्रेंड्स इस समय अब आ गया है तरह तरह की क्यारी बनाने का, क्यारी से जो है DIY बनाने का। अभी आज जो मैं बनाऊंगी तो मनी प्लांट्स का DIY बना करके मैं तैयार करूंगी। और फ्रेंड्स क्या है कि ये देखिए मैंने तार ये प्लास से इसको तार से कस रही हूँ। प्लास से क्या कसना, अगर आप सुई धागा से इसको मोटे धागे से सिलना चाहें तो आप मोटे धागे से भी सिल सकते हैं, अगर आपके पास सुई धागा नहीं है वो तार नहीं है तो। अगर तार है तो आप तार से कस दीजिएगा तो काफ़ी लाइफ इसकी अच्छी हो जाती है, और नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट ही भी डंडी को गड़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं तो मजबूत काम करती हूँ, क्योंकि मजबूत काम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए ऊपर से धागे से को मैंने जो सरिया तार सॉरी वहाँ फंसाया मैंने, ये तार क्या कहूँ मतलब ये लगा दिया यहाँ पर कील से मैंने होल करके इसको, जैसे खूंटी होती ना तो खूंटी के तरीके से टांग करके मैंने इस तरह से बांधा। अब ये दूसरी तरफ से बांध करके ले आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा गौर से कि मैं कितने सुंदर ढंग से DIY जीरो बजट से बना करके तैयार करती हूँ। अब आप अभी मैं दिखा रही हूँ कि पूरी DIY बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब फिर जो इसमें पौधा और लगाऊंगी तो उसको देखिए कि मतलब देखने में गार्डन में एकदम से नया लुक आ जाता है। अभी धागे को काट दे रहे हैं, धागे को काटने के बाद में अभी फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर बनकर के तैयार हो गया। एक्चुअली में क्या है कि मोबाइल थोड़ा पास में था, दूर नहीं था। अब इसको नीचे जो कपड़े आते हैं ना थैले कपड़े वाले, उसको बिछा दे रही हूँ, और मिट्टी को मैंने इस तरह से बना लिया। बनाने के बाद में अब इसको इसमें चूँकि कंपोस्ट वगैरह सारा कुछ है तो इसमें मैंने पहले से ही मिला करके रखती हूँ। मेरे कई एक वीडियो पड़े भी हैं तो फ्रेंड्स उसमें जाकर के अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। अब ये मनी प्लांट्स को जो मैं काफ़ी समय से तैयार कर रही थी, आज का समय फ्रेंड्स एक समय ये था कि मनी प्लांट्स हमारे घर में उगता नहीं था, लगता नहीं था, कितना मैं खरीद करके लाऊं। कहते हैं कि लोग चोरी करते हैं कि चोरी करके लगाइए, लेकिन फ्रेंड्स ये सब चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आती। अगर हाँ आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किसी घर जाइए आप एक डंडी मांग लीजिए, क्या दिक्कत जाता है उसमें है, मेरा जो सोचना है ना फ्रेंड्स। लेकिन लोग कहते हैं चोरी से करने से सुख फल मिलता है ये, अरे आपने किसी घर में चोरी ही कर ली तो किस चीज़ का सुख फल, मेरे को तो समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। चलिए कोई बात नहीं, ये तो लोग हैं। अब ये फ्रेंड्स क्या किया कि मैंने लपेटते हुए इसको मनी प्लांट्स को इसमें अब ये धागे की मदद से ऊपर को बांध दे रही हूँ। अभी पूरा एक महीने का बाद का वीडियो मैं दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स आप देख करके चौंक जाएंगे कि सच में इतनी अच्छी सी ग्रोथ होती है। एक्चुअली में है क्या, जब ये ऊपर को ले जाएंगे इसको
तो ऊपर को ले जाने के लिए मनी प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और शुभ भी बताया जाता है, क्योंकि किसी भी पौधे को अगर ऊपर ले जाना है ग्रोथ के लिए तो ऊपर से तरक्की के मार्ग खुलते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे मैं बीच बीच में टिप्स भी बताती रहती हूँ और गार्डनिंग करने का तरीका भी बताती रहती हूँ। जैसे कि मैंने मनी प्लांट्स के बारे में बताया कि इसके टिप्स क्या हैं, इसमें सुख क्या है, तो मेन चीज़ यही होती है कि जब ऊपर की ओर ले जाएंगे, जब ऊपर की ओर जाएगा जब तभी घना होगा ना, जब घना होगा तो देखने में भी लुक अच्छा लगेगा। तो ये फ्रेंड से देखिए मैंने बना करके यहाँ तैयार करके दरवाजे के पास रख दिया। अभी आप बताइए कि अब इतना छोटा सा ये बना है, बनने के बाद में अब जब मैं दूसरा बना करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा एक महीने के बाद का जो इनका रिजल्ट आएगा सामने, तो आप मतलब देख करके चौंक जाएंगे। अभी फ्रेंड्स देखिए, अगर हाँ फ्रेंड्स आप लोगों से मैं कहना ही भूल गई, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अभी जो बत्तख है ना, बत्तख की जगह पर मैं इसको लगा करके रख रही हूँ ये मनी प्लांट्स को, क्योंकि टेबल यहाँ पर रखा है तो इस तरह से यहाँ पर लग कर के रख जाएंगे ना। अब इनको क्या करना फ्रेंड्स कि इसको थोड़ा सा सजा दीजिए, बत्तख को नीचे मत रखिएगा और यहाँ पर रख दीजिए। अब ये जो मैंने पेयर लिया है एक गाय का, तो गाय और बछड़ा का पेयर है, इसको मैंने लगा दिया। मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर तरह तरह का चेंज करती रहती हूँ, समय समय से अपडेट देती रहती हूँ, और जो मैं चेंज करती हूँ तो फ्रेंड्स जो है मैं ज़रूर बताती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आप लोगों से, वो पौधा नहीं दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को पता हो मेरी तरोई में टेरिस पर लगी हुई हैं तो उसमें फूल नहीं, बिल्कुल नहीं फूल आ रहे, जबकि नर्सरी से मैं उसकी बेल लेकर उसके सॉरी ये सीड्स लेकर के आई थी। तो ये फ्रेंड्स देखिए मैंने बना करके तैयार किया। अगर ये जो मैंने 7 पॉट का स्टैंड बनाया है, जो ये टांगा है टंगे हुए पाइप में और प्लास्टिक के उसमें थैले से इसको बना करके टांग दिया, तो फ्रेंड्स इसको भी कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, ताकि कोई से अगर गार्डनिंग करने का शौक़ रखते हैं तो उन लोग जो लोग गार्डनिंग करने का शौक़ रखते हैं और जीरो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत यूज़फुल होने वाला ये यूजफुल है वीडियो। तो फ्रेंड्स जाकर के सभी लोगों को भेज दीजिए और वो लोग जाएं। अब ये देखिए साइड में जो एक ही डंडी दिख रही है इसमें, अब आप फ्रेंड्स बताइएगा कि एक महीने के बाद में मेरा बिल्कुल जंगल जैसा ही घना होने लगा मनी प्लांट्स, जो बहुत शुभ अपने आप में बताया जाता है। जब फ्रेंड्स नेचर के पास रहते हैं तो हर चीज़ शुभ होती है हमारे समझ से, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा। अब और आप किस प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसको भी कमेंट्स करके बताइएगा, मैं हो सके मुझे हो सकेगा तो मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगी इस प्लांट्स के बारे में, उसकी केयर टिप्स के बारे में। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड्स। और बहुत सुंदर लग रहा है हमारा ये गार्डन, आप लोगों को कैसा लगा, सभी लोग अपना ख्याल रखें।